पृथ्वी, मुझे डाउट है कि जो तुम सोच रहे हो वो सही है या गलत। कैसा डाउट? अब तुम ही बताओ कि क्यों है डाउट। तुम पृथ्वी मल्होत्रा, और तुम्हारी तबाही क्या हो सकती है? ना, तुम्हारी तबाही हो ही नहीं सकती। तुम्हारी तबाही एक सूरत में हो सकती है, अगर ये परिवार वाले तुम्हें उठाकर इस घर से बाहर फेंक दें। और ये तभी होगा अगर महेश लुथरा अच्छे से ठीक हो जाएगा। आई नो पृथ्वी कि आज मोना को घर से बाहर निकाल दिया, पर क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मास्टर ब्लास्टर हो, विद फुल प्रूफ मास्टर माइंड। कल एक और नहीं मोना को घर ले आओगे, बड़े बिग डील। आगरे, जब से मैंने तुम्हें हायर किया ना, तब से लेके आज तक तुमने हमेशा मेरे दुश्मनों की तरफदारी की। आज पहली बार तुम अच्छी बोली बोल रहे हो। थैंक यू, कंटिन्यू। जब भी बोलो मेरे लिए अच्छा बोलो, मुझे खुशी मिलती है। पृथ्वी, मैं तो तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दे रहा हूं, जो कुछ भी है सिर्फ साफ साफ बता रहा हूं। बट अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें अलर्ट रहना है, और पृथ्वी, जो कुछ भी आसपास हो रहा है उस पर नजर रखनी है। मैं भी ये सोच रही थी प्रीता, तुम्हें डराना चाहती हूँ, सिर्फ डराना। इसलिए उसने जज को यहाँ पर बुलाया, सो दैट तुम उसके अगेंस्ट कुछ भी कदम ना उठा सको, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो जाए। समझे तुम? पृथ्वी, तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? बिल्कुल नहीं, मजाक कर रहा हूं। आज तुम अच्छी बातें बोल रहे हो, पूछो जो पूछना है। मुझे ये पूछना था कि तुम्हारा और शर्लिन का इतना गहरा रिश्ता और इतना बड़ा परिवार, और इस परिवार में इतने सारे लोग, तुम अपने इतने गहरे रिश्ते को छुपा कैसे लेते हो यार? क्योंकि मैं छुपा रुस्तम हूं, और छुपा रुस्तम होने के लिए इंसान को स्मार्ट होना पड़ता है। और मैं कौन हूं? छुपा रुस्तम, स्मार्टनेस की दुकान। लेकिन लेकिन क्या करण? अरे हस्बैंड वाइफ के बीच की चीज है, तुमने उसे क्यों बताया? वो कितना टीज करेगी मुझे वो। तो अच्छा है, मेरे नाम से टीज करेगी, अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ तो नहीं जोड़ेगी ना। हेलो, वेलकम वेलकम, प्लीज कम इन। एक मिनट, वो ऐसा क्यों करेगी? क्यों करे? वो ऐसा कर रही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कैसे डोरे डाल रही है तुम पर? डोरे ना तुम्हारे दिमाग में है, और तुम्हारा दिमाग हो गया खराब। एक मिनट, एक्सक्यूज मी क्या? हाँ, कोई भी लड़की मेरे करीब आती है, मुझसे प्यार से बात करती है, तो तुम पते से पूछ जाती हो, इतनी जलन क्यों तुम्हें? एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल नहीं जलती हूँ। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई 16-17 साल की प्रेमिका हूँ जो जलूंगी, पजेसिव हो जाऊंगी? नहीं, बात पजेसिव होने की नहीं है, बात पोजेशन की है। जैसे कि मैं तुम्हारी मालकिन, और उसके अलावा भी तो हमारा एक रिश्ता है, किसी भी नजरिए से देखो तो तुम मेरा पोजेशन हो, मतलब कि यू बिलोंग विद मी। तो मेरी जो चीज होती है ना, उसके साथ कोई फ्लर्ट करने की कोशिश करे तो आई जस्ट हेट इट। यू आर सो जेलस, तुम ना मुझे इरिटेट कर रही हो। मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ? आई रियली डोंट केयर, को तेरा इरिटेट, मुझे ना काम है। हाय हाय, जेलस प्रीता? जी नहीं, मैं कोई जेलस नहीं। उसे से वो नहीं इलाज में अभी तो बता। अरे कैसी बातें कर रहा था? बोलो। अग्रे, मैंने तुझे कुछ पूछा? ये जज को यहाँ बुलाने का मतलब क्या है? जानबूझ के पिता ने बुलाया जज को यहाँ पर, सो दैट जज महेश रुद्रा को नॉर्मल डिक्लेयर कर सके, और इसलिए तो महेश लुथरा को बेसमेंट से बाहर लेकर आई है, और ये पार्टी का नाटक कर रही है। क्या बोल रही हो तुम? प्रीता बेवकूफ नहीं है, उसे सब समझ में आता है। एक बात बताओ, चलो मान लो अगर प्रीता ने ये साबित कर दिया इस जज के जरिए कि महेश लुथरा नॉर्मल है,
तो इसमें नुकसान सिर्फ मेरा थोड़ी है, इसमें नुकसान प्रीता का भी है। प्रीता से सब छीन लिया जाएगा, पावर, जायदाद, सब कुछ, तो वो खुद की कब्र क्यों खोदेगी? ठीक है, तो तुम बता दो उसने जज को यहाँ पर क्यों बुलाया, महेश लूथरा को बेसमेंट से बाहर क्यों निकाला, यहाँ पे ये सब पार्टी क्यों कर रही, ये ड्रामा क्यों कर रही है, बताओ। कमाल है, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ये जज यहाँ पर क्यों आया, क्या कर रहा है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये जज यहाँ पर क्यों आया, क्या कर रहा है। अरे यार, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? पार्टी में इतने सारे लोग हैं, जाके उनसे बात करो ना, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, मैं गुस्से में हूँ, प्लीज अगर किसी ने देख लिया तो पता ना क्या हो जाएगा। जो होगा सो होगा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, प्रीता ने जानबूझ के जज को यहाँ पर बुलाया सो दैट जज खुद अपने मुंह से कह सके कि महेश लूथरा नॉर्मल है। सही तो बोल रही थी वो। नागरे, कुछ तो शर्म करो, इतने बड़े लॉयर हो फिर भी किसकी बातों में आ रहे हो, वो तो कुछ भी बोलती रहती है, खुद का दिमाग इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि प्रीता इस जज के जरिए महेश लूथरा को नॉर्मल डिक्लेयर करवा के खुद की कब्र क्यों खोदेगी। वो देखो आ गई प्रीता, चेहरे पे नमक, आंखों में चमक, एक्सक्यूज मी, क्या करने वाली हो तुम? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम ना, नहीं मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इसे पता चल गया कि मुझे पता है कि इसका इरादा और मकसद क्या है तो ये अपनी प्लानिंग चेंज कर देगी, उसके बाद ये जो करने वाली है वो शायद ये ना करे, और जो नहीं करने वाली है वो शायद ये करे जिसके बारे में मुझे भी आइडिया ना हो। मुझे पता होता तो मैं तुमसे थोड़ी पूछता, बताओ ना क्या प्लान कर रही हो, क्या प्लॉट कर रही हो, मकसद क्या है तुम्हारा, क्या करने वाली हो? बार बार एक ही सवाल पूछते जा रहे, इतना डर क्यों रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ डर दिखाई दे रहा है। रिलैक्स, मैं क्या करने वाली हूँ, क्यों करने वाली हूँ, ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा। किसे बुलाया है, क्यों बुलाया है, यू विल फाइंड आउट ऑन योर ओन। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माई प्लेजर। बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों इस पार्टी में आए। पागल मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन मुझे इस चीज का एहसास हो गया कि मैं हार रहा हूं और वो जीत रही है। तुम देख नहीं रही हो किस तरह से वो रोज मुझ पे अटैक कर रही है, किस तरह से रोज दाव खेल रही है, अभी भी बाहर नाच रही है वो। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों नाच रही है? मुझे दिखा रही है, मुझे इशारा दे रही है, मुझे चैलेंज कर रही है कि पृथ्वी मल्होत्रा आज की रात तुम्हारे लिए बहुत भारी रात है, तुम हारने वाले हो, मेरा क्या फायदा पृथ्वी मल्होत्रा होने का? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी इतनी पहुंच होने का क्या फायदा? हाँ, इतनी पहुंच होने का क्या फायदा, मेरा पृथ्वी मल्होत्रा होने का क्या फायदा? मैं हार रहा हूँ, उसे कुछ नहीं कर पा रहा मैं। तुम नहीं हार रहे हो, जस्ट काम डाउन पृथ्वी, जस्ट काम डाउन। नहीं, मैं काम, पृथ्वी क्या, मैं काम डाउन नहीं हो सकता। स्टॉप इट प्रीति, प्रीति स्टॉप इट। काम डाउन नहीं हो सकता, मैं काम डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीता जो भी कर रही है ना उससे मैं बहुत लेट डाउन हो गया हूं। अब फैसला होके रहेगा, अब बहुत हो गया, अब लड़ाई होगी, और यह पार की लड़ाई,
आज फैसला होकर रहेगा, क्योंकि इस लड़ाई में सिर्फ एक इंसान जीतेगा, या वो या मैं। सिर्फ एक इंसान राज करेगा, या वो या मैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है ऐसे अचानक से फैसला कैसे दे सकते हो? प्लीज काम डाउन, ये बहकी बहकी बातें करना। बहकेगी, बहकेगी वो, प्रीता बहकेगी आज। वो खुशी खुशी नाच रही है ना बाहर, उसको उसकी जगह से गायब कर दूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। आज उसको मैं सबक सिखा के रहूंगा, तुम देख लो। क्या करोगे उसे गायब करके? हाँ, उसके सामने खड़ा होके उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे पूछूंगा, उसे ये पूछूंगा कि उसका मकसद क्या है। सबके सामने वो मुझे पेवर दिखाती है ना, चैलेंज करती है, मुझ पर अटैक करती है। आज उसको घसीट के ले आऊंगा और पूछूंगा कि बता तेरा मकसद क्या है। ये सारी चीजें तुम सबके सामने करोगे? हाँ, सबकी आंखों के सामने, सबकी आंखों के सामने मैं उसको गायब करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसको नाचने का बड़ा शौक है ना, उसके नाच का आज पृथ्वी मल्होत्रा दी एंड करेगा। क्योंकि मैं जो नफरत तुमसे करती हूँ वो कोई नॉर्मल नफरत नहीं है, मैं तुमसे बे इंतहा नफरत करती हूँ, बेहिसाब नफरत करती हूँ, बेपनाह नफरत करती हूँ, इतनी नफरत करती हूँ कि नफरत को भी शर्म आ जाए। वाओ, तुमने तो नफरत की पूरी थीसिस लिख दी। थैंक यू, थैंक यू ये बताने के लिए कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। चलो, अब इतना कुछ बता ही दिया है तो ये भी बता दो कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या प्लान्स हैं मेरे खिलाफ, वो भी बता दो ना। तुम्हें इस घर से जड़ से उखाड़ने आई हूँ। तुम्हारा नाम जो इस घर से जुड़ा हुआ है ना, उसका नामो निशान मिटाने आई हूँ, तुम्हारा वजूद मिटाने आई हूँ। जितने सपने तुमने देखे हैं ना, उन्हें चकनाचूर करने आई हूँ, तुम्हारी ख्वाहिशों का गला घोटने आई हूँ। या ये कहूँ कि पृथ्वी मल्होत्रा, मैं यहाँ तुम्हारी कहानी खत्म करने आई हूँ। मेरी कहानी कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। प्रीता, प्रीता, चीखो थोड़ा कम, मेरे कानों में दर्द होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने से मैं डर जाऊंगी? हाँ, पुरानी वाली प्रीता हूं मैं? नहीं, जिस प्रीता को तुम जानते थे ना, वो था उसका रूप पहला, और ये प्रीता जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो देगी तुम्हें नहले पे दहला। अब मैं वो प्रीता नहीं जिसे तुमने उसके ससुराल से किडनैप करवा लिया था, जिसकी कमजोर कड़ी उसका परिवार था, तो उस कड़ी को खींच कर तुम उसे खून के आंसू रुलाते थे, जिसकी जिंदगी में तुम कभी भी तूफान ले आते थे, कभी भी उसकी जिंदगी सड़क पर ले आते थे। अब मैं वो प्रीता नहीं हूँ, अब मैं वो प्रीता हूँ जो सबकी ढाल बनकर आई है, जो सबकी तलवार बनकर आई है, जो सबका हथियार बनकर आई है। यही सोचते हो ना तुम? सब उसकी वजह से है, सबको उसने बुलाया, इतना अच्छा लग रहा है, मेरी पूरी फैमिली इतनी खुश है, मैं सबके साथ हूँ, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं, मुझे विश कर रहे हैं, पर प्रीता ही मुझसे अभी तक नहीं मिली आके। मुझे प्रीता से मिलना है, उसे बुलाओ ना, प्रीता को कोई बुलाएगा? डोंट वरी महेश अंकल, मैं अभी जस दी को बुला के लाती हूँ। बेटा, उनसे ये भी कहिएगा कि जस साहब को महेश लुथरा में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, इन्हें भी लग रहा है कि आपके महेश अंकल अब पहले से बेटर हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगे ये जानकर कि मिस्टर महेश लुथरा अब ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड ट्रेवल कर पाएंगे, उन सारी पाबंदियों से ये फ्री हो जाएंगे जो जज साहब ने कोर्ट में दी थी इनके मेंटल डिक्लेयर होने के बाद, जब ये सर्टिफाई हो गया था कि महेश लुथरा
एबनॉर्मल थे। थे? जी, जो भी सीनियर लॉयर ने कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो एबनॉर्मल थे, हैं नहीं। तूने किया ना ये सब कुछ? क्या? तूने किया ना ये सब? क्या? मैंने क्या किया? तूने क्या किया? हाँ? तेरे से इतना घटिया काम कोई और कर ही नहीं सकता। क्यों किया तूने? क्या? कौन सा काम? कैसा काम? मैंने 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 कोई घटिया काम नहीं किया। मैंने क्या किया? कौन सा काम? करण, तुम ये क्या कर रहे हो? दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। इधर ये देख कि तूने किया ना, तूने तोड़ा ना इसे। नहीं, आज झूठ बोल रहा तू, ये तू ही कर सकता है। और किसी की हिम्मत नहीं की इस घर की फैमिली पिक्चर को तोड़े, ये तूने किया। ओके ओके फाइन, एक सेकेंड। तुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, I'm sorry। यार ये तेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली भी है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये मैंने नहीं किया। और शलिन तुम यहां क्या कर रही हो? फॉलो कर रही थी मुझे। ओह गॉड, प्रीता इसकी नजर के बिल्कुल सामने है। अगर गलती से भी इसने प्रीता को देख लिया ना, तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। क्या करूं क्या करूं? अब तो करो या मरो वाली सिचुएशन है। अब या तो ये खुश रह सकता है। रोके नहीं, ये बात सुनो, मैं सच में डॉक्टर से बात कर रहा था। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और अगर तुम ऐसा लग रहा है कि मैंने गिराया तुम्हें, तो ऐसा नहीं है। देखो प्रीता, ये लड़ाई हम दोनों के बीच की है, तो हम दोनों के बीच की रहने दो ना, सबको बताने की जरूरत नहीं है। तुम ये चिंता मत करो कि मैं सबको क्या बोलूंगी और क्या नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर एक बात बोलती हूँ कि पृथ्वी मल्होत्रा, तुम डर गए, डरपोक कहेंगे, तुम मुझसे डर गए, मेरी हिम्मत से डर गए, मेरी आवाज से डर गए, मेरी अंदाज से डर गए, इसलिए तुमने मेरी पीठ पर वार किया। मैं बेवकूफ नहीं, मुझे पता है तुमने क्या किया। अरे सामने से वार करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि प्रीता में कितनी ताकत है और कितनी शक्ति है। हाँ, मेरी बात सुनो, ठीक है? तुम जो बोल रही हो मैं सुन रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो। हाँ पृथ्वी मल्होत्रा, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, और उसके लिए मुझे तुम क्या, कोई नहीं रोक सकता। ताश का ये गेम कोई भी खेले, लेकिन होता वही है जो शोलन चाहती है। वैसे कई बार लोगों को लगता है कि हम हार गए, लेकिन सिर्फ लगता है। क्या छोड़ो, पहले इस सृष्टि को ठिकाने लगाओ। वैसे मैं ये चेक करने आई थी कि तुमने काम ठीक से किया कि नहीं किया। बहुत अच्छा काम किया, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन शलिन, मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार जो चाहती हो वो होगा। तुम बताओ तो सही कि तुम चाहती क्या हो, प्लान क्या है तुम्हारा? क्योंकि तुम जो भी कर लो, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि प्रीता ही जीतने वाली है। काम मेरे लिए करती हो, पैसे मुझसे लेती हो, और डंका प्रीता के नाम का बजाती हो। बजा लो जितना प्रीता के नाम का डंका बजाना है, बजा लो। लेकिन जैसे मैंने कहा, अ गेम इज नॉट ओवर टिल द टाइम इट्स नॉट ओवर, एंड अ डेंजरस गेम इज अबाउट टू बिगिन। प्रीता बाहर गई है परिवार वालों को बताने के लिए। मेरा सच, यही सच कि मैंने उस पर अटैक किया, उसे बेहोश कर दिया। इससे पहले
कि मेरे साथ साथ तुम भी प्रॉब्लम में फंस जाओ, भाग जाओ। तुम क्या बोल रहे हो? प्रीता यहाँ से भाग गई हो, तुमने उसे भागने दिया? अरे तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें लगता है मैं अपने दुश्मन को भागने दूंगा? सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं उसे घसीट कर इस रूम में ले आऊंगा, आंखों में आंखें डालकर पूछूंगा कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम मेरे खिलाफ क्या प्लान कर रही हो, क्या प्लॉटिंग कर रही हो। पर उसने सही से कुछ जवाब नहीं दिया, बदतमीजी से बात की। और तुम जानती हो ना, जब भी कोई मुझसे बदतमीजी करता है मुझे गुस्सा आता है तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं सामने वाले के साथ क्या कर बैठूंगा। बस मैंने उस पर अटैक किया और उसे बेहोश कर दिया, और जैसे ही वो होश में आई उसने मुझे धक्का मारा और भाग गई। भाग गई कि तुमने उसे भागने दिया? ये कहो कि तुम्हारे दिल में प्रीता के लिए प्यार फिर से जाग गया? Are you serious? मजाक कर रही हो क्या तुम? मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम कौन से टॉपिक को तुम कहाँ ले जा रही हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तुम्हारी जिंदगी नरक में लेकर जा रहे हो। तुम्हारी वजह से प्रीता यहाँ से चली गई। तुमने उसे क्या कहा था कि तुम प्रीता को बेहोश कर दोगे, तुम उसे मार दोगे? अरे ये कौन सा बेहोश किया कि वो इतनी जल्दी जाग गई? और अगर वो बेहोश थी तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल प्रीता के लिए फिर से धड़कने लगा। शलिन, मेरी बात सुनो। अरे मैं कितनी बार कहूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई स्वेयर ऑन गॉड मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती। क्यों? मेरी बात सुनो प्लीज, उठो। ओके, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार जस्ट वेकअप ना, एक बार आंखें खोलो ना। तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी, ये शर्लिन बिना क्या क्या काम देती है मुझे भगवान जाने। कार्ड अभी इसको इधर ही रख देती हूँ। सृष्टि, ओह गॉड, ये तो समीर की आवाज है। अब अभी अगर ये इधर आ गया और सृष्टि को ऐसे देख लिया फिर तो मैं फंस जाऊंगी। सोच नताशा क्या करेगी, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये काम करूंगी, नहीं बेड के नीचे कैसे, ऐसे तो इसे पता चल जाएगा फिर तो मैं घर से निकल जाऊंगी। कबड़ अंदर जाओ। मैं तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। फादर की कंडीशन जानते हो ना, सो प्लीज बी केयरफुल, और आज जो किया प्लीज डोंट डू नेक्स्ट टाइम। और आप सब लोग महेश लुथरा से बहुत प्यार करते हैं ना, आप लोग बहुत फिकर है ना उनकी, फिर ये सब क्यों? इतने इर्रिस्पॉन्सिबल आप लोग कैसे बन सकते हो? प्लीज आप किसी को कुछ मत कहिए, ये बर्थडे पार्टी मेरा आइडिया था, मुझे लगा कि महेश पापा का बर्थडे है तो एक छोटी सेलिब्रेशन रख लेते हैं, फैमिली के बीच में रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसमें प्रीता की कोई गलती नहीं है, दरअसल मैंने ही प्रीता को रिक्वेस्ट किया था कि आज महेशी का बर्थडे है और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, गलती है तो मेरी है, प्रीता ने कुछ नहीं किया, गलती मुझे क्या पता था कि ये। What?
डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स, कल से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। महेश जी अभी भी वैसे ही हैं, सेम कंडीशन, नो चेंज, वो अब भी पागल ही हैं। मम्मी जी बस अब एक शब्द और मत कहना, एक शब्द भी। तुझे हो क्या गया राखी? अरे इतनी जिद्दी कब से हो गई तू? हम तुझे जो कहते हैं वो तू मानती नहीं। क्यों नहीं मानती? अरे तेरे सामने सच है लेकिन तू मानती नहीं। करीना तुझे कह कह के थक गई है कि प्रीता पे भरोसा मत कर मत कर, पर पता नहीं उस लड़की ने क्या टोटका किया तुझ पे कि तुझे उसका झूठ भी सच लगता है। था तो एक बात बताओ, जब चाचू बाहर आए थे वो कितने खुश थे ना? हम सब भी कितने खुश थे। चाचू बोल रहे थे आज उनका बर्थडे है, उनके परिवार वाले उनके आसपास हैं, सब उनको अटेंशन दे रहे, कितने खुश लग रहे थे ना। भाई बस कीजिए ना आप प्लीज। और नानी मामी जी को क्यों डांट रही हैं आप? उनका क्या फॉल्ट है? प्यार करती है वो महेश मामा जी से। आप खुद बताइए कोई वाइफ चाहेगी क्या कि उनका हस्बैंड एक बेसमेंट में रहे अपने जन्मदिन के ऊपर? मामी जी भी ये नहीं चाहती थी, इमोशनल है वो। किसी का फॉल्ट निकालना है ना नानी आपको, तो एक तो प्रीता का निकालिए और हमारा खुद का फॉल्ट भी है इसके अंदर। पृथ्वी जी ने कहा था ना हम सबसे, कहा था उन्होंने कि मामा जी प्रिपेयर्ड नहीं है बेसमेंट से बाहर आने के लिए, हम लोग उनको बाहर लेके आए। और प्रीता ने मेरे मामी जी के इमोशंस को यूज करके हम सबको ये कन्विंस करा दिया कि हम मामा जी को बेसमेंट से बाहर ला सकते हैं, और हम लेके आ गए। और ब्लेम भी हम पे आया कि हम लेके आना चाह रहे थे। ये सब उसका गेम प्लान था और गलती हमारी ये थी कि हमने ये बात इग्नोर कर दी जो पृथ्वी जी ने कही थी कि नहीं लाना है उनको बाहर, नहीं लाना है उनको बाहर, हम लेके आ गए। मम्मा प्लीज डोंट क्राई प्लीज। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ, सोच सोच के घबराहट हो रही है कि अगर भाई ने वाकई में भाभी का गला जोर से दबा दिया होता तो। भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। करीना दी मम्मी जी आप दोनों जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। आप लोग ने ये देखा ना कि महेशी मेरा गला दबा रही थी। करीना दी वो मेरा गला नहीं दबा रहे थे, वो तो बस मेरे गले से सांप निकाल रहे थे। मैं उनकी बात समझ नहीं पाई जो मैंने नेकलेस पहना था। महेशी को समझा कि वो मेरे गले में सांप है, इसलिए मेरी जिंदगी बचाने के लिए मेरे गले से वो नेकलेस छीन रहे थे। मैं समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है और हर पर आठ में मैं आगे से खींच रही थी। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई पापा, मैं फेल हो गई। हम सच फेलियर। मैं कुछ नहीं कर पाई पापा, अब तो उसे बेसमेंट में आपने अपनी बेटी से कितनी उम्मीदें लगाई होंगी कि वो आपका साथ देगी, आपका हाथ पकड़ेगी, आपको इस जगह से बाहर निकालेगी, असली जिंदगी में लेकर आएगी। लेकिन मैंने आपकी सारी उम्मीदें तोड़ दी, मैंने आपकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। उस पृथ्वी से भी नहीं बचा पाई जो चाहता है कि आप हमेशा यहाँ रहे। मैंने सोचा था मैं उसे मात दे दूंगी लेकिन मैंने खुद मात खा ली। मैं हार गई और वो जीत गया पापा। उसने वापस आपको इस बेसमेंट में डाल दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में पृथ्वी नहीं कोई और भी है जो नहीं चाहता कि आप ठीक हो, आप कभी अपने परिवार के बीच में रहे। कोई और भी है
लेकिन मैं नहीं लड़ पाई पापा, मैं हार गई। आपको ऐसा देख के बहुत बुरा लग रहा है और ये मेरी वजह से हुआ पापा। भाभी आप अपने आंसू तो छुपा लेंगे लेकिन उन बातों का क्या जो मैंने अभी सुना, उन इमोशंस का क्या जो आपकी बातों में छुपे हैं, जो मुझे फील हुए। भाभी आई नो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इस घर का इस घर वालों का भला चाहते हैं और इस मालकिन की तरह नहीं बल्कि इस घर के सदस्य की तरह वापस आए। आई एम ग्लैड भाभी आप इस घर में वापस आए। तो वापस आकर मैंने क्या कर लिया? क्या मैं इस पापा को बेसमेंट से बाहर निकाल पाई, उनके कमरे तक उन्हें नहीं लेकर जा पाई, मैं इस बेसमेंट से उनके कमरे तक का फासला भी मुझसे नहीं तय किया गया। तुम झूठ ही बोल रही होगी, लेकिन वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत इंसानियत भरा है, उसने सोचा कि एक और मौका दे दो तुम्हें, शायद तुम्हें अक्कल आ जाए। लेकिन नहीं, तुम दोनों से अक्ल की उम्मीद करना ही बेवकूफी है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम हार चुकी हो प्रीता, जीत मेरी हुई है, मैंने तुम्हें बुरी तरह से हरा दिया है। भूल गई? ओह सॉरी, टॉपिक कुछ और था है ना। पृथ्वी और शालिन जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, यही सच है। शर्म नहीं आती तुम्हें शर्लिन? हाँ, ये परिवार तुम्हें कितना प्यार करता है, तुम्हारा कितना सम्मान करता है, तुम्हें दिल से चाहता है, तुम पर तरस खाता है कि ऋषभ जी तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए, तुम्हारी कितनी केयर करता है, और तुम उनके साथ ये कर रही हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती। इमोशनल क्यों हो रही हो? अभी करने के लिए कुछ और है नहीं ना, तो इमोशनल गेम खेल रही है, इमोशनल कार्ड फेंक रही है, सोच रही है शायद यही वर्क कर जाए, पर वर्क नहीं करने वाला। तुम इसमें भी हार जाओगी क्योंकि ये इमोशनल नहीं होने वाली है, तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो इनकी तरह थोड़ी है, करण प्रीता की तरह। बताओ जरा इसे कि हम दोनों की जोड़ी कैसी है, एवरग्रीन जोड़ी है, तुम्हारी और उस करण की तरह नहीं कि आज प्यार है कल नफरत है, आज लड़ाई हुई कल पैचअप हुई, बार बार यही होता रहता। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरे और करण के रिश्ते के बारे में कुछ भी कहा तो क्या कर रहे हो? तुम दोनों का रिश्ता मेरे रिश्ते के साथ कंपेयर कर रहे हो? मेरी और करण की शादी हुई है, समाज में दुनिया में चीख कर कह सकती हूँ मैं कि मैं करण की पत्नी हूँ, और तुम दोनों का क्या रिश्ता है? हाँ, बंद दरवाजों के पीछे वाला नाजायज रिश्ता, और तुम अपने रिश्ते को मेरे रिश्ते के साथ कंपेयर कर रहे हो। मेरा रिश्ता पवित्र है, पावन है, उसमें सम्मान है, अभिमान है, तुम्हारे रिश्ते में क्या है? चोरी, दुनिया से छिपाना? तुम दोनों जो कर रहे हो वो करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती शर्लिन? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आती है कि मैं तुम दोनों के साथ एक ही छत के नीचे रहती हूँ। तुमने खुद अपने मुंह से कहा था कि तुम लूथरा से नफरत करती हो, फिर तुम लूथरा के लिए इमोशनल क्यों हो रही हो? क्योंकि ऋषभ जी से नफरत नहीं करती हूँ मैं। बेटा जी एक बात बताऊं? हाँ जी। तू ना मुझे बड़ा प्यारा लगता है। आप ही मुझे बहुत प्यारा लगते हो बीजी। बट सॉरी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, मेरा वो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। तो बेस्ट है कि तू अपने लिए कोई दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ ले। बीजी बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रही, ना क्या करूँ? कोशिश करते रहो ना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई लड़की तो मिलेगी ना। वैसे भी कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है, कोशिश करता रहे। बीजी होगा, सबर का फल मीठा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मिले नहीं है ना, गर्लफ्रेंड भी नहीं है ना, क्या करूँ? कोशिश कर, कोशिश लगा रहा। हाँ, हाँ
कभी ना कभी तो होगी। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी दवाई का टाइम हो गया। ठीक है, कोशिश मत छो। ओके बीजी, बीजी आशीर्वाद। जीता रहे। थैंक यू। अब सॉरी, वो मैं अंदर ही बैठे रह गई। ओ थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग अस। ओके बाय। सृष्टि, सृष्टि मुझे पता है ये वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी। एक्चुअली वो हाँ, तुमसे एक बात करनी थी। कहो ना। वो जो तुमने उस दिन सॉरी वाला वीडियो भेजा था ना, मुझे वो वीडियो अच्छा लगा था। और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। मतलब अब ये मुझसे नाराज नहीं है ना, हमारी दोस्ती हो गई ना। यस 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 यस। जो सुनता जो सहता तेरे लिए, मैं गिरता संभालता फिर चलता तेरे लिए। करण, मेरे ये पुराने फोन में ना गायत्री मंत्र रिकॉर्डेड है, तो हम एक काम करेंगे, अंकल के बाजू में जाके ये रख देंगे, तो इससे उनको थोड़ा काम फील होगा और भगवान जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। एक मिनट और दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी और नहीं। तुमने डैड से लड्डू क्यों लिए? वो इन्हें What? अगर करण को ये बताया कि पापा डायबिटिक हैं, इसलिए उनसे लड्डू ले लिए मैंने, तो उसे पता चल जाएगा कि मैं बहुत कंसर्न हूँ। नहीं, मैं नहीं बता सकती क्योंकि लड्डू खत्म हो रहे थे और मुझे भी तो खाने हैं, तो मैंने ले लिए। करण प्लीज डोंट माइंड। हाँ आई अंडरस्टैंड कि ये तुम्हारे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की बात है, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। क्या हो गया प्रीता को, वो पागल हो गई है क्या? कैसे महेश अंकल के हाथ से लड्डू छीन के लेके गई? आई अंडरस्टैंड कि सब उनको पागल बोल रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान ही है ना, और कितनी तबीयत खराब है उनकी, ऐसे कौन बिहेव करता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है करण, आई स्वेयर अगर ये मेरे डैड होते ना और कोई मेरे डैड के हाथों से ऐसे लड्डू छीन के लेके जाता, मैं तो उसके हाथ तोड़ देती। एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो प्रीता को हार्ट अटैक दे सकता है, जोर का झटका लग सकता है। तुमने देखा नहीं, वहां रूम में हम दोनों को एक साथ देखकर कैसे बौखला गई थी वो, तो मैंने सोचा अब रूम के बाद लिविंग रूम में एक ट्रेलर दिखा देते हैं ना। पागल हो गए हो क्या? प्रीता ने हमें लाखों लाखों बार एक साथ देखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम अब तक सोच रहे हो कि महेश रुद्रा को बेसमेंट में पहुंचा के तुम जीत गए हो, तो यू मिस्टेकन। प्रीता को तुम्हें हराना है, उसे वो पावर छीनना है। अब कैसे छीनो, क्या करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ तुम्हें सोचना है उसके बारे में। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आई एम ऑन इट। कुछ नहीं पता तुम्हें, मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए तुम्हें अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है, यहाँ 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 कोई कैमरा प्लीज देख क्या? कब से फुटेज खा रही हो? मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ कि क्या है सॉल्यूशन, बताओ मुझे सॉल्यूशन। और दिमाग की टेंशन मत लो, ऐसे मस्त माइंड नहीं हुआ है। वो क्या है ना, ये सारी चीजें मैंने तुमसे ही सीखी है,
घुमा फिरा के चीजों को बोलना खुद को समझ में नहीं आता है, लेकिन सोच दो कि लोगों को समझ में आ जाएगा। एनीवेज मैंने अपने नए लॉयर से बात की है, उसने कहा है कि प्रीता के पास जो प्रॉपर्टी पेपर है जिसपे ये लिखा है कि प्रीता इस लूथरा मैंशन की मालकिन है, जिसपे महेश लूथरा ने ये लिख के दिया है कि बिजनेस में जो कुछ भी होगा उसकी डीलिंग प्रीता के साइन के बिना नहीं होगी, वो पेपर हमें चाहिए। जैसे हमें वो पेपर मिल जाएंगे उस पेपर से हम प्रीता का नाम हटाकर तुम्हारा नाम लिख देंगे। और इतनी सफाई से काम करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उस पेपर पे पहले प्रीता का नाम लिखा हुआ था। और फिर जो भी देखेगा उसे तो ये लगेगा कि लूथरा मैंशन का लूथरा बिजनेस का मालिक पृथ्वी मल्होत्रा है, प्रीता लूथरा नहीं। फिर जिस तरीके से उसने इस घर में री ग्रैंड एंट्री मारी थी ना, उसी तरीके से उसकी एग्जिट करवा दूंगी मैं। कैसा लगा आइडिया? बकवास। तुमने मुझसे जब ये कहा ना कि दिमाग तुम्हारा होता है मास्टरी मेरी होती है, मैंने सोचा पहले आइडिया सुन लेता हूँ, हो सकता है इस बार शायद तुम्हारा आइडिया काम कर जाए। बट ये जो तुम्हारा आइडिया है ना, जिसने भी तुम्हें दिया है वो तुम्हारा लॉयर है, उसे कहो कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। तुम्हें क्या लगता है हुँ? एक बात बताओ, वो जो पेपर जो कहां पर है, बैंक के लॉकर में, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है तुम और मैं हम बैंक जाएंगे, बैंक मैनेजर बोलेगा अरे पृथ्वी शर्लिन आई है, ये वेलकम, ये लीजिए प्रीता के लॉकर की चाबी, ये लॉकर खोलिए और इसके अंदर जो भी सामान है इसे उड़ा ले जाइए, ऐसा लगता है तुम्हें? लिसन, ये बकवास आइडियाज और बकवास चीजों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। पृथ्वी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, नथिंग। तुम्हारी हार और मेरी जीत का एहसास दिलाती है तुम्हें, और ये भी याद दिला रही है कि कल मैंने तुम्हारी क्या हालत की थी, बहुत बुरी। अरे जल्दी आओ शर्लिन, 5 मिनट में मेरा फोन कॉल आ जाएगा और मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये फोन कॉल सुने। मनोहर जी, कितनी बार आपको कहा है सुबह 8 से 9 के बीच में मुझे कॉल मत किया कीजिए, मेरा ब्रेकफास्ट टाइम होता है। What? ऐसा नहीं हो सकता। अरे हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं ये बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। आपको पता भी है उस लॉकर में मेरे कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स पड़े हैं? वही पेपर्स तो है जिनकी वजह से आज मैं लूथरा हाउस में हूँ। आप देखिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेरा लॉकर कोई नहीं छुएगा क्योंकि मेरे लॉकर में मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। नहीं नहीं नहीं, उन पेपर्स को वहां से निकालना कितना रिस्की हो सकता है आप जानते भी हैं। अरे मेरे लिए वो पेपर्स सब कुछ है, उनके बिना मैं क्या रह जाऊंगी? आप उन्हें बोल दीजिए कि रिपेयर का जो भी काम है मेरे लॉकर के अराउंड करें, मेरे लॉकर को ना छुएं। बिल्कुल नहीं। क्या? ओह गॉड, पेपर्स निकालने ही पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना, वो पेपर्स लॉकर से निकाल कर अगर आप मेरे घर ले आएंगे तो ये कितनी रिस्की बात है। पेपर्स चोरी हो गए, मेरा मतलब कि मिसप्लेस हो गया या किसी ने उठा लिए, तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है, अगर ये करना जरूरी ही है तो ये काम सिर्फ मेरा लॉयर करेगा, उसी के पास मेरे लॉकर की चाबी है। आपने मुझे बुलाया बुआ? हाँ बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए। कृतिका, दरवाजा बंद कर दो प्लीज।
दरवाजा बंद, ऐसी कौन सी बात तो नहीं बोल। बेटा एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हारी हेल्प के बिना ये काम मैं नहीं कर सकती। पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। बोलिए, तुझे पता है कि बुआ क्या चाहती है? नो भाई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे बस कहा था कि आपको बुला के लेके आऊं, तो जस्ट लेके आ गई बुला के। बोलिए बुआ। बेटा प्रीता इस घर की मालकिन बनी बैठी है और वो हमें पपेट्स की तरह ट्रीट करती है। तुम जानते हो ना वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि भाई ने पूरी प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके नाम पे कर दिए हैं। सब कुछ प्रीता के नाम पे है, जबकि सब चीजों पे हक हमारा है। मैं चाहती हूँ बेटा कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स जो इस वक्त तुम्हारे और प्रीता के कमरे में है, वो तुम चुरा लो। बुआ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं किसी का कुछ भी चुरा कर आपको नहीं देने वाला। भाई देखिए, मेरी बात सुनिए। आई नो ये आपके लिए बहुत अनएथिकल होगा, लेकिन मम्मा जो कह रही है एक बार सुन के तो देखिए। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता है भाई, तो मेरी फैमिली का अच्छा ना भाई। तुझे हो गया क्या? तू पहले क्या थी, अब क्या बन गई? हर चीज में, हर प्लान में शामिल हो जाती है बिना सोचे समझे। करण बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कल तुमने देखा था ना पार्टी में क्या हुआ, किस तरह से प्रीता ने हम सबको इरिस्पॉन्सिबल ठहराया, कहा कि हम भाई का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और जज ने तुमसे क्या कहा कि तुम एक इरिस्पॉन्सिबल बेटे हो, अपने डैड को संभाल नहीं पा रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे डैड को ट्रीटमेंट चाहिए, उन्हें अकेला रखना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। यही कह रहा था ना वो जज। मुझे एक बात बताओ करण, भाई की बर्थडे पार्टी में जज और लॉयर को बुलाने की क्या जरूरत थी? प्रीता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रीता वही करती है जो उसके दिल में आता है। किसी की कोई बात नहीं सुनती, पूरे दिन मालकिन हूँ मैं बोलती रहती है। हमारी तो बात उसकी समझ में नहीं आती, कैसी बेइज्जती करती है हमारी। एक बार पेपर्स आ गए ना, तो हम उन पेपर्स को फाड़ देंगे, फिर प्रीता मालकिन तो रहेगी नहीं। और ये जो एटीट्यूड है ना उसका, वो भी चेंज हो जाएगा। करण बेटा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे साथ जो गलत हुआ है ना, हम उसे सही कर रहे हैं। मैं मानता हूँ बुआ, प्रीता गलत है, ठीक है वो गलत है, लेकिन उसे सही करने के लिए मैं खुद गलत नहीं होऊंगा, खुद भी गलत नहीं करूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सब कुछ ज्यादा ही कर रही हो? मतलब टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, यार ये सब चीजें कर करके मैं स्ट्रेस्ड हो चुकी हूँ। हाँ तो टाइम पे तो खाते पीते हैं, क्या हो गया इसको? कोई बात नहीं, स्ट्रेस में है शलिन। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेस से और प्रॉब्लम से बहुत जल्दी फ्री कर दूं। यानी कि बाहर निकाल दूं। और शलिन तुम, पृथ्वी को तो इस घर से बाहर निकालूंगी ही मैं, लेकिन उसके साथ इस बार तुम भी इस घर से बाहर जाओगे, कभी इस घर में ना वापस आने के लिए। नताशा, बड़े मजे से खाने के लिए बैठ गई हो, तुम्हें क्या लग रहा है गुरुद्वारे के बाहर बैठी हो? लंगर लगा है कि लोग आएंगे तुम्हें खाना परोसेंगे। उठो और राखी माँ की हेल्प करो, एंड हेल्प योरसेल्फ। प्रीता मैम, ये फाइल आपके लिए आपका लॉयर देके गया है। गिरीश भैया। ओके मैम। दीप, ये क्या है? सीक्रेट है, अभी नहीं बताऊंगी, रूम में जाकर बताऊंगी। अरे चोरी वोरी हो गया तो? ओके
रीता सबको पता है प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। मैं करण जीजू की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आई लव हिम, इसलिए मैं चुप बैठ रही हूँ और तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, वरना तुम्हें तो पता है मैं तंगड़ी कबाब खिलाने में कितनी एक्सपर्ट हूँ। सृष्टि, ग्रेट सृष्टि, हमेशा लूथरा हाउस में जिस काम के लिए तुम आती हो ना, आज तुमने सक्सेसफुली वो काम कर दिया, ड्रामा करने का काम, प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम। खुश हो गई भाई बहन के बीच में आर्ग्यूमेंट करवा के? हैप्पी? मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। ओहो चुप करो। जब देखो इस घर में सब लोग चिल्लाते ही रहते हैं, दिमाग खराब कर दिया। अच्छा दिमाग तो हमारा खराब हो गया, स्टार्ट तुम करती हो सब कुछ, उसके बाद हमसे कहती हो कि हम स्टार्ट करते हैं, हम चिल्लाते हैं, जबकि चिल्लाती तुम हो। मुझे अभी किसी से बहस नहीं करनी है, मेरा सर फटा जा रहा है। गिरीश भैया जरा सर दर्द की दवाई लाना मेरी। अरे दी आपने ये वाली दवाई क्यों ली? आपको पता है ना ये वाली दवाई लेने से आपको बहुत गहरी नींद आ जाती है। अरे यार कोई रूम में आपके आके पार्टी कर ले, ढोल नगाड़े बजा दे, फिर भी आप नहीं उठोगे, ये इतनी पोटेंट दवाई है, क्यों ली आपने? ओ माय गॉड सृष्टि, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे आपने ले लिया अचानक से तो अब क्या होगा? आज तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी के पेपर्स भी है, अब मैं क्या करूं? इन्हें तो अलमारी में रख दूंगी लेकिन ख्याल कौन रखेगा? ऐसा कर आज तू मेरे साथ सोएगी, चल। अब एक मिनट, जानकी आंटी का मैसेज आया है, उन्हें दादू की दवाइयां नहीं मिल रही है, मुझे बुला रहे। हे बाप रे, दादी की दवाई नहीं मिल रही है? तो तू जा फटाफट अब सारे मेडिकल में पता कर, तू यहाँ मत रुक, फटाफट जा। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ सृष्टि, दादी को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। आप लोगों ने मैं छोड़ दूँ? ओके दीप, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस किया ना मैंने, इसके लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, राइट? ओके ओके दी, बाय बाय एवरीवन। आप तक अपने बचा Guys, what's up? I hope you guys are doing great. And guess what? I haven't seen you for so long. Actually, क्या ना, मैं बहुत ही ज़्यादा busy हो गई थी, इसीलिए मैं कोई vlog record ही नहीं कर पाई. तो इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं live आ जाऊँ and I can interact with you all. वैसे मुझे आप लोगों को बहुत ही अच्छी good news देनी है. नहीं, शादी नहीं. Of course not. शादी कैसे? Dance तो मेरा passion है ना. So here I am. And I'm gonna show you my crazy moves and you guys gotta groove in it. All right? Ready? Ek second, three, two, one, and start. करण अपने डैड से बहुत प्यार करता है, उनके लिए ये कुछ भी कर सकता है। अपने डैड को अगर इसे नॉर्मल लाइफ में वापस लाना हो तो इसे प्रीता के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। लेकिन जितना मैं जानती हूँ करण को, कि इतना इजीली प्रीता के अगेंस्ट नहीं जाएगा। हाँ जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे, अगर प्रीता इसकी फैमिली के खिलाफ गई तो। और जितना शर्लिन ने बताया है, करण को प्रीता पहले पसंद नहीं थी, लेकिन प्रीता ने इस घर में एंट्री मारी, लोगों की सगी बनके, दादी की डॉक्टर बनके, ऋषभ की बेलविशर बनके, राखी की चहेती बनके,
सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर में आने के लिए उसने कृतिका और समीर को भी यूज किया। पर मुझे करण के क्लोज जाने के लिए इतने लोगों की जरूरत है, सिर्फ प्रीता की जरूरत है। प्रीता इस फैमिली के अगे